मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है। मेरा फूलों का कारोबार है, गुड्डी मुर्गा फूल मार्केट में होलसेल कारोबार है मेरा। जैसे डेली मेरी 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये मेरी कमाई है। अभी मार्केट में मैं क्या करे, मैं 2016 में एक अच्छे रूज पे था, अभी भी रूज पे हूँ। तो ये मार्केट वाले क्या करे, सब झूठे सच्चे बातें करके हमारा रिश्ते में दरार डाली। ये नहीं सोचे कि ये बच्ची का नुकसान होता है, ये बच्ची का बच्ची को इनसे दुश्मनी नहीं निकलती, बच्ची का घर खराब होता बोलते नहीं मालूम था। तो फिर वो केस में मैं जेल को गया करा, फिर उनका साथ नहीं छोड़ा, फिर आया, फिर उनको लेके आया मैं घर से। फिर उसके बाद में जो है सो थे मेरे साथ उन्होंने 2017 में, फिर उसके बाद में जो है सो उन्होंने कुछ एक ऐसी हरकत उनकी मेरे को नज़र में आई तो थोड़ा सा उनको मैं मारा था। मैं उनसे भी उनके घर वालों से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब अभी भी आप मैं गलत रहता तो मैं क्यों पीछे फिरता था। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज भी मेरे निके में है उन्होंने 7 साल हो गया उन्होंने घर को जाके जो है सो मेरे से ना उन्होंने मैं तो खुला देता ना मैं तलाक देता। अब वो क्या बट्टेबाजी का अमा कर लेके उन्होंने किसके साथ है क्या है मैं एग्जाम नहीं लगा रहा। ये देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है इंग्लिश का। फिर उसके बाद में आपको एक बार बताता हूँ, ये है उर्दू का। हर जगह ये सदर खाजी के पास हज हाउस में पूरा मेरा रिकॉर्ड है। मैं दुनिया मेरे से मेरे को दुनिया इधर से उधर भी हो गई ना, मैं हफ्सा सलीम को नहीं छोड़ता। मैं जब छोड़ना रहता तो मैं शादी कहीं करता था। मैं मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद करे, मेरे को जेल को भेजा है, मेरे को वो करे, झूठे झूठे तोहमता लगाए। जब इनसे शादी करते वक्त जब मेरी कमाई 30 से 40 हज़ार रुपये थी, अभी भी आज के पीरियड में भी मैं 10 हज़ार रुपये का डेली का आदमी हूँ। मैं फ्लावर मर्चेंट हूँ, मार्केट में मेरी खुद की जाती कारोबार है। मार्केट वाले होले छोले बात करके मेरा घर खराब करे, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। मैं हालांकि मैं उनके घर को जो है 1 साल तक उनके घर को आना जाना करने के बाद हम लोग एक टू एक देख के पसंद करके हम शादी करें। हम गलत रहते तो जो कामा शादी के बाद करना था हम शादी से पहले कर लिए थे, वो कामा छोड़ देते थे हम। हमारे जरूरत ही क्या थी। कोई आजकल अय्याश लोग हाँ रोडों में फिर रहे जीत पेटा टी शर्ट पहन के, जा मिली बकरी खा लो छोड़ दो। हम कहीं को फिरते थे 2016 बोले तो 9 साल से पीछे हूँ मैं। मेरे को नहीं मालूम उन्होंने शादी कर लिए नहीं कर लिए, मगर हफ्सा सलीम मेरी बीवी है, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अब के भाई एक बात आएंगे, भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे, आए तो है डायरेक्ट मीडिया के ऊपर आ गए। नहीं मैं मीडिया के ऊपर नहीं आया, मेरे को एक ऐसी सी मेरे को मैं कोमा में था, समझा कोमा में था मैं, बिल्कुल मेरा कारोबार बंद हो गया था, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था ना। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ना मैं कुछ हूँ, सो झूठे सच्चे बातें करके मेरी जाती दुश्मनी आप लोगों से निकाले। हमारे ससुराल वाले जो है बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोग विदाई करे सब करे। अब रहा सवाल महर का, अरे भाई 11 लाख नहीं, मेरी बीवी को 11 करोड़ मेरी जिंदगी महर में दे देता हूँ, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी को चेक दिया 11 लाख का, मैं लोगों को नहीं दिया। अब एक चीज में आप पूरी दुनिया से एक सवाल पूछता हूँ, जब बीवी मेरे साथ सुहाग शादी के वक्त मेरे कमरे में है, एक आदमी बदमाश आदमी बैंक को जाके इंक्वायरी कर रहा था, तो बैंक वाले फोन नहीं करते मेरे को, भाई आपका चेक आया नहीं आया बोल के फोन नहीं करते, कर देना तो कुछ मैटर ही नहीं है, सब झूठे सच्चे बात करके। वो बच्ची मेरी जिंदगी आज भी खराब नहीं हुई, मैं अभी भी शादी कर सकता हूँ, अभी भी मेरे को 10 जने मिलते कमाने धमाने के वास्ते, कहीं को नहीं मिलते। मोहब्बत एक से होती, पूरे हैदराबाद के बच्चों से नहीं होती। हम अय्याश खोल रहे थे तो हम इनके पुलिस के जूते खाए लाता खाए। 2016 में बहुत बड़ा सीन हुआ था मेरा, चुप मार्केट की बिजनेस की दुश्मनी मासूम और ससुराल वालों से निकाल दी। हमारे ससुराल वाले वो समझे नहीं पॉलिटिक्स को कि ये क्या हो रहा। फिर भी मैं 25 दिन जेल में रह के उनके बाहर आता पढ़ के लाया, लाने के बाद घर में रखा। हम लोग अच्छे थे सब थे, थोड़ा सा उन्होंने एक ऐसी हरकत करी जो मीडिया के सामने मैं नहीं बोलना चाह रहा, जो मेरे को ना गुजार गुजरी, दुनिया का हर आदमी का हाथ उठ जाता। मैं हाथ उठाया, मेरे से गलती हो गई, हफ्सा सलीम मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप वाकई है आपके दिल में मोहब्बत है। 16 में हुई मेरी शादी, शादी के बाद मेरे को हार्ट अटैक हो गया,
अब बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस था, सोची साथ से चल रही थी क्या, कोई दूसरे आदमी के साथ है या उन्होंने अंदर कोई दो नंबर शादी कर ली है, अल्लाह हू आलम, मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। परसों इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मेरे को मिले, मैं उनको भिजाया मैसेज तो मेरे को ब्लॉक कर दिए, फेसबुक पे लगा ब्लॉक करे। हाँ भाई, उन लोगों का गुस्सा वाजिब है, उन लोगों का गुस्सा वाजिब है। आदमी पलट के नहीं देखा, आदमी हमारे पैसे खा के भाग गया। मैं हमारी सास को बोलना चाह रहा हूँ, आपके जो पैसे देना है बोरे में यार फूलों में रखे दे तो एक बार मेरे को या माफ करो या एक बार मेरे से मिल के बात करो। मैं जहाँ पर आप लोग मेरे को छोड़ के गए थे गुड्डी मलकापुर फूल मार्केट में, मैं वहीं छू, मेरे को फूल ही बेचना आता, मेरे को कोई ड्रग्स बेचना नहीं आता। रहेंगा तो बंदा कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा कहाँ रहेगा, नहीं है ना। तो करा मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को आप लोग एक बार आपके पैरों का नहीं जगह दे दो मेरे ना। मैं आपके जब घर को आता खुद ना मैं आपका धोके कुछ गलत करता था ना, आप तो दामाद बन के क्या गलत करूँ, अब दामाद बन के क्या गलत करूँ।